और विधानसभा चुनाव के बाद अभी आगामी दिनों में क्या बोलते लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो प्रचार में आपको किस प्रकार की कठिनाई हो रही है और क्या क्या मुद्दा आप लेके जा रहे हैं? हम लोगों को प्रचार करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, जनता का अपार समर्थन हमें लोगों को मिल रहा है। अपने आप जनता बाहर आकर के हम लोगों को समर्थन का वादा कर रही है, तो उसमें प्रचार में किसी भी तरह से कोई कठिनाइयाँ का सामना नहीं करना पड़ रहा है और बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा लोगों में हम लोगों के प्रति विश्वास है। क्या बोलते हैं, जैसे कि विधानसभा चुनाव में क्या बोलते पूर्ण शराबबंदी था और क्या बोलते कर्जा मुक्ति थी, इस प्रकार क्या अभी तक कुछ हुआ नहीं है? ऐसा है, जनादेश 5 साल के लिए होता है। हम ये तो हमारी सरकार है जो 2 महीने में 36 वादों में से 18 वादा पूरा हो गया, और भाजपा तो 15 साल में एक भी वादा पूरा नहीं करी ना। हम लोग पक्का वादा कर रहे हैं कि जितने भी वादे हैं, चाहे शराबबंदी के हों चाहे अन्य और भी, वो भी सब हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। सर, मेरा एक सवाल था, बसना विधानसभा से बीजेपी से संपत अग्रवाल ने बगावत का चुनाव लड़ा था, उन्होंने 50,000 वोट हासिल किए थे, उसके बाद अभी कयास लगाया जा रहे हैं कि शायद उनकी बीजेपी में वापसी हो सकती है। अगर उनकी बीजेपी में वापसी हुई तो कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस में उनको वापस लाया जाए जिससे कांग्रेस की राह आसान हो? देखिए, हम लोग किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, फैसला कांग्रेस और भाजपा से ही होना है, किसी के आने जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है सर जी, अभी आपको क्या बोलते हैं 11 लोकसभा की प्रभारी मिला है, इस पर आप किस उम्मीदों से और जनता के बीच जाकर किस प्रकार की कांग्रेस पार्टी के प्रचार आपको? देखिए, अभी जैसे विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, तो निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है उसी प्रकार से यहाँ पे 11 की 11 सीटें राहुल जी की झोली में हम लोग डालने का प्रयास करेंगे। और जो मैं घूम रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे स्थितियाँ देख रहा हूँ कि हमारी जो भूपेश बघेल जी की सरकार है उससे किसान खुश है, युवा खुश है, बेरोजगार खुश है, ये खुश है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये 11 लोकसभा में भी भरपूर सहयोग मिलेगा हम लोग को। थैंक यू।